गाइस, आज मैं आपके साथ देखिए लूज प्लाजो की मूरी का डिजाइन शेयर करने वाली हूँ। आप इसे ट्राउजर पे भी डाल सकते हो, ये बहुत अच्छा लगेगा मन कर। देखिए ये मेरा प्लाजो है, मैंने इसे स्टिच कर लिया है। इसकी मूरी देखिए हमने 11 इंच की है, ये 11 इंच की मूरी बनानी है। देखिए हमने 11 इंच की, ये 10.5-11 इंच की मूरी है तैयार करनी है। इसके लिए देखिए मैंने जो स्ट्रिप ली है, देखिए ये देखिए 44 इंच की ये स्ट्रिप है और 4.5 इंच की ये ऐसे चौड़ाई में है और 44 इंच की देखिए इसकी लंबाई है। मैंने 11 के हिसाब से देखिए इसे 4 गुना बड़ा लिया है इसे, ये 44 इंच की है। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। देखिए इसके लिए सबसे पहले हमने इस स्ट्रिप को देखिए नीचे से फोल्ड कर लेना है। देखिए ऐसे पकड़कर इसे ऐसे एक सिलाई लगा लेंगे। ये मैं आपको दिखाऊंगी एक बार में ही, आपके देखिए सारे आपकी चुनटे सेट आ जाएंगी जो हम इसमें डालेंगे। बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी मैं आपको। देखिए मैंने यहाँ से ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब हमने देखिए क्या करना है, अपने प्लाजो को देखिए ले लेना है, इसकी सीधी साइड ले लेंगे। इसकी सीधी साइड लेकर हमने इस पर देखिए हमने ये जो स्ट्रिप बनाई है इसे ऐसे रख लेंगे। इसे ऐसे रखकर हमने देखिए 1.5 इंच की इसके ऊपर ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। देखिए यहाँ तक, उसके बाद देखिए हमने यहाँ से इसके बल डालने शुरू करने हैं। देखिए हमने सिर्फ ऊपर वाले कपड़े पर इस पर बल डालने हैं, नीचे वाले पर कोई बल नहीं डालना है। देखिए हम जब ऐसे बल डालेंगे इसमें तो हमें एक अंदाज़ा रहेगा कि हमने कितने बड़े बल डालने हैं और हमारा कपड़ा ना तो ये बढ़ेगा ना ही कम होगा। बिल्कुल एक्यूरेट बनता है फिर ये, और बहुत सफाई आती है इस पर एक बार में ही। देखिए हमारा ये इसके साथ देखिए ये बल भी डली जा रहे हैं और ये इसके साथ अटैच भी हो रहा है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, देखिए ये बिल्कुल आसान है, बड़े आराम से देखिए ये बन रहा है। बस हमने इतना ध्यान देना है कि सारे बल जो हम डाल रहे हैं वो सब एक सार ही होने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिनिशिंग नहीं अच्छी आती है और वो नहीं अच्छा लगता है। धीरे धीरे देखिए आप बड़े आराम से, तेजी मत कीजिएगा, जल्दी का काम कहते हैं ना शैतान का होता है, इसलिए बड़े आराम से हमने ऐसे ऐसे सिलना है। देखिए ये सारी चुनटेले मैंने डाल ली हैं। देखिए यहाँ से हमने जैसे स्टार्टिंग से देखिए यहाँ से थोड़ा सा ये प्लेन सिला था, वैसे ही लास्ट में भी इसे थोड़ा सा प्लेन सिलेंगे। अब इसके बाद देखिए, अब चाहो तो देखिए आप इस पे पहले प्रेस लगा लीजिए, चाहो तो सिलने के बाद भी प्रेस कर सकते हो। देखिए मैं इसको सिलने के बाद ही प्रेस करूंगी। अब इस पे देखिए हमने यहाँ से दबमी सीन मारनी है। देखिए ऐसे यहाँ पर हमने बिल्कुल देखिए सफाई से यहाँ पर एक ऐसे सीन लगानी है ताकि नीचे से कपड़ा हमारा उठे ना। देखिए ऐसे, अब यहाँ से देखिए हमने जितनी इसकी फिटिंग रखनी है, यहाँ से देखिए हमने फिटिंग नहीं रखनी है, यहाँ से फिटिंग की निशानी लगाएंगे। देखिए मैं 10 इंच पर फिटिंग की यहाँ पर निशानी लगाऊंगी। देखिए हमने यहाँ पर ऐसे, शेप देते हुए अपनी फिटिंग बनाने के अनुसार देखिए सारी सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने उसके साथ की दूसरी मूरी भी तैयार कर ली है और इस पे देखिए थोड़ी थोड़ी मैंने प्रेस लगा दी है आपको दिखाने के लिए। देखिए ये कितना प्यारी लग रही है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा।
ताकि मेरी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, थम्स अप ज़रूर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।